पंडित जी, इससे पहले कि हम राशि अनुसार चर्चा करें, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है और ये आध्यात्मिक दृष्टि से मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि जैसे कहा जाता है कि गंगा में स्नान कर लीजिए, पाप धुल जाएंगे। अब कल कार्तिक स्नान है, कार्तिक पूर्णिमा है, तो दूसरी तरफ हमारे धर्म में ये भी कहा जाता है कि आपने जो कर्म किया है उसको आपको भोगना पड़ेगा। तो एक स्नान से पाप कैसे कट जाएंगे? जब तक आपने किसी को पीड़ा दी है, तब तक आप खुद वो पीड़ा ना झेलें, तो इसे स्पष्ट करें। देखो, ऐसा है, 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियाँ ऐसी हैं जो प्रारब्ध के वशीभूत हैं। एक योनि मनुष्य योनि ऐसी है जो प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों गुण सभी जीवों में पाए जाते हैं, मनुष्य से लेकर के पशु पक्षी तक। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। लेकिन मनुष्य के अंदर एक चीज विशिष्ट है, वो है बुद्धि और विवेक। तो प्रारब्ध जो हमारा है वो है, लेकिन जब हम भजन कीर्तन करने लगते हैं, साधु संग कर लेते हैं, गुरुवाणी पर अमल कर लेते हैं और सहज सुखराशि प्रभु का ध्यान कर लेते हैं, तो तत्काल हमारे प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं। गीता में वेदव्यास लिखते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। पूर्वजन्म का कर्म जो है मिंट में समाप्त होता है। अगर प्रारब्ध अच्छा आपका नहीं है और आप तप कर रहे हैं, विवेक से काम क्रोध मोह लोभ को त्याग कर और काम क्रोध मोह लोभ से अपने मन को हटा करके भगवान की शरणागति में ले जा रहे हैं, या नाम जप आप कर रहे हैं, तो सिर्फ नाम जप की ये महिमा है कि आपके साथ, एक बात। दूसरी बात, कष्ट किसको होगा? कष्ट इस शरीर को होगा ना, ये शरीर मैं नहीं हूँ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अरे मैं उस अविनाशी का बच्चा हूँ जिसका कभी नाश नहीं हो सकता है। ये शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगी। इसको भोग मिले चाहे शोक मिले, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध, उनके शरीर पर कष्ट आया लेकिन उन्होंने अपने तेज से, अपने योग से अपने कष्ट को खत्म नहीं किया। उन्होंने भोग को भोगा ताकि आगे भोग ना भोगना पड़े। लेकिन जो छोटे छोटे प्रारब्ध हैं, जो अशुभ कर्म हमसे हुए हैं, जिसके निमित्त हम गंगा स्नान करते हैं, गंगा में वह तारणा शक्ति है, उन सभी पापों के मल को वो नष्ट कर देती हैं। और इसके बाद एक बात और सुन लो, जो भागवत में लिखा हुआ है, तीर्थी करोति तीर्थानि। तीर्थ को भी तीर्थ अगर कोई बनाता है तो वो बनाता है वैष्णव भक्त, कोई वैष्णव भक्त बनाता है। जब भगीरथ ने, जब यही गंगा जी ने पूछा भगीरथ से कि जब मेरे अंदर सब पूरी दुनिया पाप धोएगी तो मैं तो एकदम पाप से कलुषित हो जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कौन करेगा? भगीरथ ने कहा कि जब कोई विष्णु भक्त, जब कोई राम कृष्ण का उपासक सच्चे मन से उनकी आराधना करने वाला अपने पैर का अंगूठा तुम्हारे गंगा जल में स्पर्श करा देगा, तुरंत तुम्हारी सारी कालिमा समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी पुण्य शक्ति पुनः उदय हो जाएगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं, सातव मोहिसम मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। अरे मुझे तो जानो ही, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरे भक्तों को जानो। कोई वैष्णव अपराध न हो जाए, कोई दोष दर्शन न हो जाए, किसी साधु संत के खिलाफ हमारी अशुभ टिप्पणी न हो जाए। ये प्रारब्ध कुछ नहीं, प्रारब्ध मनुष्यों के लिए नहीं है, प्रारब्ध पशु पक्षी के लिए है। उसमें भी उत्तम प्रारब्ध और अधम प्रारब्ध है। जैसे कुत्ता एक पैदा होता है, इस दरवाजे उस दरवाजे डंडा खाता है। अब एक कुत्ता पैदा होता है, वो सुंदर स्त्री के गोद में रहता है और एयर कंडीशन गाड़ियों में चलता है और एसी कमरे में सोता है, उसकी सारी व्यवस्था है। तो उनमें भी शुभ और अशुभ कर्मों का प्रारब्ध है, लेकिन वो प्रारब्ध को बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हम मनुष्य प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तभी तो मार्कंडेय ऋषि की 5 साल की आयु को 10,000 वर्ष की आयु में बदल दिया गया। सावित्री ने सत्यवान को यमराज से वापस ले लिया। प्रारब्ध को बदलने की क्षमता तो है ना हमारे यहाँ,
तो प्रारब्ध को बदलने की क्षमता है, इसलिए प्रारब्ध बदलता है। बिल्कुल, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पंडित जी ये कह रहे हैं कि आप अपने मन को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित कर दीजिए। अगर ये निश्चिल हो गया, अगर ये पवित्र हो गया, भक्ति में लीन हो गया, तब आपके पाप मिट जाएंगे। लेकिन आपने आज स्नान किया और कल आपने कोई गलत काम कर दिया तो इस स्नान का कोई फायदा नहीं मिलेगा। विवेक से आप, दृष्टिकोण से आप निर्णय लीजिए। देखिए, सही बात तो यह है, मन एवं मनुष्याणाम कारणबंध मोक्ष, मन एवं मनुष्याणाम कारणबंध मोक्ष, मन ही मनुष्य का बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। धर्म की परिभाषा रवि बहुत विशद है। एक आदमी एक व्यक्ति की हत्या कर देता है तो पूरे जन्म उसके ऊपर हत्या का दोष लगता है, लेकिन एक जज 5 लोगों को सामूहिक फांसी की सजा का विधान करता है तो क्या जज को वो हत्या का दोष लगता है? नहीं। और सेना पर खड़ा हमारा सैनिक 50 लोगों को एक बार में शूट कर देता है तो क्या उसे हत्या का दोष लगता है? धर्म की बड़ी व्यापक परिभाषा है, जहाँ हमारे यहाँ ये कहा गया है कि चींटी को मारना भी पाप है, अहिंसा परमो धर्म, वहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है मार मार मार, तुझे मारना पड़ेगा, तू छात्र धर्म का पालन कर, तू असोच करने वाली बातों का सोच मत कर, ये सब मरण धर्म हैं, ये सब मारे जा चुके हैं, तू निमित्त मात्र बन, निमित्त मात्रम भव सभ्यसाचिन, उठा अपनी गांडीव, मार इन लोगों को मार, वहाँ मारना भी धर्म है। तो धर्म की बहुत व्यापक मामले में परिभाषा है, धर्म को एक परिभाषा से नहीं जोड़ा जा सकता, और उसके लिए हमें समझना होगा कि हमारा विवेक किस तरह से काम करता है। देखिए, हमारा विवेक कुछ काम नहीं करता है, हमारा विवेक है ही नहीं है। हमारा विवेक तब तक नहीं काम करता है जब तक हम किसी गुरुजन के कृपा में सराबोर न हों या भगवान की कृपा के ऊपर अपने तन मन धन को समर्पित न किए हों, तब तक हमारा विवेक कुछ है ही नहीं है। इंद्रियों से जुड़ा ये मन बहुत ही चंचल है और पता नहीं कब उठा के पटक देगा, आप समझ रहे हैं ना। एक संत जी गंगा स्नान करके रोज रास्ते में जाते थे तो उनसे एक वेश्या पूछती थी, बाबा जी आपकी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? कुछ नहीं बोलते थे बेचारे, सीधे अपने आश्रम चले जाते थे। जब बाबा जी का समय आ गया कि 10 मिनट में अब हमारी शरीर छूट जाएगी तो उन्होंने उसको बुलवाया, ए तू रोज पूछती थी ना तेरी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? कहन हाँ, कहन मेरी दाढ़ी अच्छी। कहन आपने इसका जवाब देने में 20 साल लगा दिया? कहन मन पर भरोसा नहीं था कि कब मुझे पटक देगा, और अब मैं जा रहा हूँ, मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए तुझे बता रहा हूँ मेरी दाढ़ी अच्छी। तो मन जो है ये कब विषयों की तरफ खींच करके और पटक देगा, कब पतित कर देगा, ये कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हर समय प्रभु का नाम स्मरण, प्रभु का संकीर्तन और अपने गुरु का बल होना चाहिए। अहम भाव जो है हमारे अंदर का वो मिटना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। जय बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।